हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज लेकर आया हूँ मैं बेस्ट टॉप 10 आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चरल 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, जिसमें आप 3D डिज़ाइन भी कर सकते हैं, अपना मैप भी बना सकते हैं। जैसे होम मैप बनाते हैं, जैसे आप ऑटो कैड को यूज़ करते हैं और स्केचअप को यूज़ करते हैं, वैसे ही मैं आज आर्किटेक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड लिस्ट बना के लेकर आया हूँ बेस्ट सॉफ्टवेयर्स की, जो फ्री हैं, ओपन सोर्स हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन है, यहाँ पर मैंने पहला खोल रखा है। ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर है, वो है लिब्रेकैड। लिब्रेकैड ये एक ओपन सोर्स 2D कैड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। मीन्स आप जैसे ऑटो कैड में आप मैप बनाते हैं, वैसे भी इसमें ही बना सकते हैं। मैंने इसका जो स्ट्रक्चर देखा वो बिल्कुल सेम है। ये शायद कह सकता हूँ कि ऑटो कैड का अल्टरनेटिव ही है। इसमें लिखा हुआ है कि लिब्रेकैड इज़ अ फीचर पैक्ड एंड मेच्योर 2D कैड एप्लीकेशन विद सम रियल ग्रेट एडवांटेज। ये फ्री सॉफ्टवेयर है और कम्प्लीटली फ्री है। इसमें 30 लैंग्वेज सपोर्ट है और ये विंडो के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए अवेलेबल है और लिनक्स के लिए। तो इसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के लिए, विंडो के लिए और लिनक्स के लिए। चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर की, जो है ओपन स्कैड। ओपन स्कैड एक सॉलिड 3D कैड मॉडलर, मतलब 3D मॉडल बनाने के लिए है, आपके रिलेटेड टू अपने आर्किटेक्चरल से रिलेटेड। और ये ओपन कैड जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है बिल्कुल, और ये अवेलेबल है विंडो के लिए भी, लिनक्स के लिए भी और हमारे मैक के लिए भी। आप इसको यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक दे दूंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो कॉमेंट में बताएँ। अब हम बात करते हैं मैं तीसरे सॉफ्टवेयर की, जो है बी आर एल कैड जो है वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये भी सेम है हमारा जो हमारा पहला सॉफ्टवेयर था लिब्रेकैड की तरह। इसमें 2D 3D दोनों होता है। इसमें जैसे ये कैड सॉफ्टवेयर, इसमें ये लिखा हुआ है ये 1979 से अवेलेबल है ये सॉफ्टवेयर मार्केट में। इसको भी आप यहाँ से इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए, ये एक ओपन सोर्स है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ सॉफ्टवेयर की, जो है मैक्स मिक्सर। ये एक 3D सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है कि इसमें मॉडल्स हैं 3D, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसमें अपना जो डिज़ाइनिंग के लिए है वो आप बना सकते हैं। इसमें अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग और भी तरीके की डिज़ाइनिंग है, उसके लिए आप इसमें मैश तैयार कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है मैश मिक्सर इज स्टेट ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर फॉर वर्किंग विथ ट्राइंगल मैश। तो इसमें सारे डिज़ाइन, हेल्थ डिज़ाइन, क्रिएटिव डिज़ाइन सारे इसमें आप कर सकते हैं कि यहाँ पर, और आपको इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड आप जानते हैं जिसका, सॉरी ऑटो कैड का नहीं, ऑटोडेस्क का ही ऑटो कैड है। हम बात करते हैं अपने फिफ्थ सॉफ्टवेयर की, जो है आर्ची। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। इसमें आप ये देख पा रहे हैं इसका इंटरफेस ये इस तरीके से कुछ है। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड वाइड, और इसमें ये भी दिया गया है कि अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं डोनेट कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये और भी बाकी लैंग्वेजों में अवेलेबल है। इसको भी आप डाउनलोड करिए और ईजी टू यूज़ करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मैं इसको डाउनलोड करके आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं हमारे सिक्स्थ सॉफ्टवेयर की, जो है वेक्टर वर्क्स। भी हमारा स्केच मॉडल और लाइक ये भी हमारा एक टाइप से मॉडलिंग और स्केचिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने आर्किटेक्चरल लैंडमार्क स्पॉट और ये सब डिज़ाइन कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल जो वर्क होता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या होता है आर्किटेक्चरल में, लेकिन मैं फिर भी मैं 3D वाला हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। मेरा मेन है कि 3D मॉडलिंग वगैरह में, कार्टून रिलेटेड, एनिमेशन रिलेटेड मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं इसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि ये फ्री सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप ट्राई करिए। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेवन सॉफ्टवेयर की, जो कि है स्वीट होम। स्वीट होम हमारा एक फ्री इंटीरियर डिज़ाइन एप्लीकेशन है। इसमें आप अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे अपने घर का कोई डिज़ाइन चाहिए, जैसे आपका कोई, आप चाहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा है अपने घर के लिए डिज़ाइन करना है, आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप सीधे कारपेंटर भैया को बोल देंगे भैया ऐसा ऐसा बना दो, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपनी थिंकिंग से कुछ चाहते हैं तो आप इसमें आके अपना उसका थिंकिंग को विजुलाइज को इसमें कन्वर्ट करें मॉडल्स में, और फिर अपने कारपेंटर भैया को दिखाएं, वो आपके इस मॉडल को देख के आपको वही रियल चीज़ ला के देंगे। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे विंडो, मैक, ओएस, लिनक्स के लिए, तीनों के लिए ये अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करिए, यूज़ करिए। अब हम बात करते हैं 8th सॉफ्टवेयर की, जो है
ब्लेंडर, ब्लेंडर आपने मेरे मुझे बहुत बार नाम सुना होगा, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में सुना होगा। ब्लेंडर एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर जो वीडियो एडिटिंग में भी काम आता है। ये 3D सॉफ्टवेयर, इसमें आप 3D मॉडल और एनिमेशन भी कर सकते हैं। इसमें आप कैड का भी मतलब आप इसमें इंटीरियर डिज़ाइन लाइक आर्किटेक्चर डिज़ाइन का वर्क भी इसमें कर सकते हैं। अपना एक कोई रूम क्रिएट करना, एक फील्ड क्रिएट करना है जिसमें अपार्टमेंट वगैरह बनाओ, क्योंकि आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में यही होता है कि चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, 3D मॉडल्स और 2D ड्राइंग्स इसमें की जाती हैं, जो ऑटो कैड वगैरह में वो आप इसमें कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करिए। अब मैं बात करता हूँ अपने 9th सॉफ्टवेयर की, जो है हमारा डिज़ाइन वर्कशॉप लाइट। डिज़ाइन वर्कशॉप लाइट, इसका वेबसाइट का UI बहुत ओल्ड लग रहा है, लेकिन ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री मॉडलिंग वॉक थ्रू रेंडरिंग और स्केच टू प्रेजेंट। मतलब ये 3D मॉडल बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अपना, जैसे आपने ऑनलाइन देखा होगा कि बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइन का वॉक थ्रू होता है, इसमें आप वो बना सकते हैं। आप इसमें अपना मॉडल इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और अपना लैंडस्केप डिज़ाइन कर सकते हैं। वहाँ पर उसका वॉक थ्रू बना सकते हैं, उसका पूरा सराउंडिंग दिखाने के लिए एक एनिमेटेड क्लिप के जरिए, एक वीडियो के जैसे दिखाने के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट सॉफ्टवेयर की, जो है 3D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन स्केचअप, सॉरी, जो हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर है वो है स्केचअप। स्केचअप, स्केचअप आप जानते हो ये पेड सॉफ्टवेयर है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सीखना चाहते हैं कुछ स्केचअप से, क्योंकि स्केचअप इस समय मार्केट में बहुत प्रायोरिटी में है, बहुत लोग स्केचअप ही यूज़ कर सके हैं, करते हैं, कोई भी माया मैक्स की तरफ नहीं जाता है। 3DX Max को ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि 3DX Max बहुत महंगा है और ये थोड़ा सस्ता है अगर मार्केट में आप जाएंगे, और ये बहुत यूज़ किया जाता है। स्केचअप को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट वर्जन के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा एक बोनस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फ्री कैड। ये हमारा फ्री कैड सॉफ्टवेयर है, इसको आप देख पा रहे होंगे। इसका मैंने इसको कभी देखा नहीं। इसमें आप 3D फ्रॉम 2D, इसमें 2D 3D का कुछ लफड़ा है कि आप 2D जो आप लेआउट बनाते हैं उसे आप इसमें 3D डिज़ाइन बना सकते हैं लेआउट का यूज़ करके, और आप इसमें मॉडल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप अपना इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करिए, यूज़ करिए, ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये थे हमारे टोटल 10+1, लाइक हमारा स्केचअप एक +1 सॉफ्टवेयर था, और क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री है अगर स्टूडेंट्स यूज़ करना चाहते हैं। जैसे माया मैक्स भी फ्री है, ऑटोडेस्क माया, ऑटोडेस्क मैक्स, वो भी 3D सॉफ्टवेयर है और स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं लेके आऊँगा, और आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सारे सॉफ्टवेयर के, आप डाउनलोड करें, यूज़ करें, और मुझे बताएं आपको कौन सा सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता है, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, इसमें मैं दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड, कैसे आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है, सारा चीज़ मैं उसमें बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।